चलिए आगे बढ़ते हैं बिहार के बाद, अब बात करते हैं केरल की, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पीएफआई के नेताओं की जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, ऐसे में वहां पे गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। जी हां, पीएफआई के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस कार्रवाई का विरोध जता रहे हैं। बंद के नाम पर सरकारी बसों में तोड़फोड़ हुई है, और इसके साथ ही देखिए कोची में भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां सरकारी बसों में तोड़फोड़ हुई है। त्रिवेंद्रम में भी ऑटो और कार में तोड़फोड़ की गई। गिरफ्तारी के विरोध में आज केरल बंद बुलाया गया था, ये बात कल साफ कर दी गई थी। जुमे की नमाज के बाद भी किसी तरीके से कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो, इसको लेकर सरकार पहले से ही चेती हुई है। पीएफआई नेताओं की गिरफ्तारी आप देखिए ताबड़तोड़ तड़के 11 से 12 राज्यों में 106 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी जो हुई थी, उससे कहीं ना कहीं पीएफआई की कमर टूटी हुई है, और अब उसके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर कैसे उपद्रव मचा रहे हैं, इन दो तस्वीरों को देखिए और जानने की कोशिश कीजिए। कोची में कैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान किया गया, कुछ वैसी तस्वीरें कमोवेश तिरुवनंतपुरम से भी सामने आई। तो देखिए किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई है ये आतंक पर बहुत बड़ा प्रहार है, और उसके बाद देखिए किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई कल भी हुई और आज भी बताया जा रहा है कि कई गिरफ्तारियां होना संभव है, लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें किस तरीके से ये जो कार्यकर्ता है वो बौखलाए हुए हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ कोची में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, सड़कों पर आप देख सकते हैं ये कार्यकर्ता उतरे और पुलिस के साथ मुठभेड़ करने लगे, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखी है जहां पर बंद बुलाया गया, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था बना रखी थी, ऐसे में पीएफआई ने किस तरीके से ताबड़तोड़ यहां पे तोड़फोड़ की है वो तस्वीरें आपको दिखा रखी है। एक तरफ ऑटो में तोड़फोड़ की गई, सरकारी बसों को नुकसान पहुंचाया गया, और ये तस्वीरें अपने आप में ही काफी ज्यादा चिंताजनक। चार तस्वीरें आपके सामने, पुलिस प्रशासन के साथ झड़प, वाहनों पर पथराव, तोड़फोड़ हंगामा, और बीजेपी दफ्तर पर भी अटैक किया गया। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आ रही हैं, कहीं पर पेट्रोल फेंका गया, कहीं पर पेट्रोल बम दफ्तरों में फेंका गया, वहां पर जो प्रॉपर्टीज थी उसे क्षतिग्रस्त किया गया। कोयम्बटूर में बीजेपी दफ्तर पर हमला, तिरुवनंतपुरम में पीएफआई की गुंडागर्दी, सड़कों पर आप देखिए लोकतांत्रिक देश विरोध करने का अधिकार, लेकिन हिंसा किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरुण चुग ने पीएफआई पर बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान क्या वो सुनिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा एक्शन था, जरूरी एक्शन था, पीएफआई पर जल्द ही कोई बड़ा एक्शन सरकार ले सकती है, ऐसे संकेत और संदेश कल से ही मिले जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ घंटों बात की, मंथन किया। और ये देखिए कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिल रही हैं, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में इस पूरी कार्रवाई को लेकर विरोध जताया जा रहा है। लोग जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं और पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रखे हैं, तस्वीरें आपके सामने। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि बहुत जरूरी था ये बड़ा एक्शन लेना। कि आंतरिक सुरक्षा एवं देश के नागरिकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक सराहनीय कदम है। कानून स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रहा है, और देश की 11 प्रदेशों की और केंद्र की सरकार ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और देश की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए की है। मैं इस कदम को उचित कदम मानता हूं। तो आपने देखा किस तरीके से हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और सरकारी बसों में वाहनों में तोड़फोड़ की जा रही है। अपडेट्स के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली से मेरे सहयोगी शिवम जुड़े हैं, और इसके साथ ही तुषार हमारे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। पहले दिल्ली का हाल जान लेते हैं। शिवम, दिल्ली से कल परवेज और उसके भाई की गिरफ्तारी हुई, कुछ लीड क्या मिल पाए हैं, और भी गिरफ्तारियां होना संभव है? तस्वीरें सामने आ रही है, विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। शिवम, देखिए निश्चित तौर पर दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली के जो चीफ हैं पीएफआई के परवेज अहमद, उनको उठाया गया था। उसके अलावा दो उनके बेहद करीबियों को भी पुलिस एनआईए ने उठाया था। जानकारी ये मिल रही, कई अहम तथ्य सामने निकल कर आए हैं। जो लैपटॉप और जो गैजेट्स बरामद हुए थे उसके आधार पर जाँच जारी है। आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इन तीनों से लगातार पूछताछ का दौर जारी है और अहम जानकारियां एनआईए ने निकाली हैं। दरअसल इस बार जो ऑपरेशन किया गया था, 93 जगह सर्च ऑपरेशन था, 10 से ज्यादा राज्यों में 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसको लेकर ये आनंद फानंद नहीं हुआ, बीते 4 महीने से इसको लेकर एनआईए पूरी तैयारी कर रही थी। ईडी के साथ साथ स्थानीय पुलिस का कॉपरेशन किया गया। इस पूरे मामले का कितना इंपॉर्टेंस है आप पहले समझिए कि एनएसए, डीजी, एनआईए और गृह मंत्री इन्वॉल्व थे, होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व थी।
गृह मंत्रालय को पहले विश्वस्त में लिया गया कि जो इस बार कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर ऐसी कार्रवाई होगी। तुषार तुषार सबसे बड़ा सूबा और वहां से कल कई गिरफ्तारियां, इसलिए महत्वपूर्ण खबर और ज्यादा गंभीर हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। सबसे बड़ा एक खबर है। लेकिन कोयंबटूर का एक बार रुक कर लेते हैं, फिर वापस आपका रुक करूंगा। कोयंबटूर में बीजेपी दफ्तर पर पेट्रोल बम से अटैक किया गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद यह हमला किया गया है। और हमारे साथ तुषार श्रीवास्तव। तुषार, कल कई गिरफ्तारियां, देश का सबसे बड़ा सूबा, ऐसे में और ज्यादा गंभीर यहां पर जरूर सिक्योरिटी एजेंसीज होंगी। अब क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, और इसके अलावा आपको बताऊं तो आज जुमे की नमाज है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। 8 गिरफ्तारियां हुई हैं और पीएफआई जिस तरह से केरल में बंद का आह्वान की थी, कोयम्बटूर में, केरल में जिस तरह से बवाल हो रहा है, उसके बाद यहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया। हालांकि यहां पे कानून व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है, इसलिए बवाल की कोई उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो कल 8 लोग यहां पे गिरफ्तार हुए हैं। लखनऊ से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, बहराइच हो, इसके अलावा बाराबंकी से गिरफ्तारी हुई है, नोएडा गाजियाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहां पे अलर्ट जरूर जारी किया गया है, क्योंकि जुमे की नमाज है।